नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ओमराज, और आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ हमारे रोमांचकारी और रहस्यमय सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। और अभी जो हूँ मैं मुंबई के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक, आर ए मिल कॉलोनी, जिसे मैं ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ कुछ महीने पहले। बट अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आर ए मिल कॉलोनी का जो मेन हाईवे है उसका ये जो रास्ता है, इधर आगे गर्ल्स हॉस्टल भी है, तो यहाँ पर कुछ समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग वियर्ड, कुछ अजीब घटना हुई। तो इसके लिए जो है कुछ फ्रेंड ने मुझे बताया, इन्फॉर्म किया उसके बारे में। कि ऐसा ऐसा हुआ है और आप एक बार अकेले जाकर, एक दो लोगों ने चैलेंज भी किया है और एक दो फ्रेंड जो है मेरे, उन्होंने रिक्वेस्ट किए कि अकेले जाकर इन्वेस्टिगेट करके आपकी जो राय है वो बताएं। वैसे भी आर ए मिल कॉलोनी के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स और नेट पे भी आपको बहुत कुछ सुनने के लिए मिलेगा, बहुत सारे हादसे हो चुके हैं इस रास्ते पर। यहाँ पर इवनिंग के समय जो है शाम ढलने के बाद बिल्कुल वीरान हो जाता है ये, और बस पहाड़ी से घिरा इलाका ये, और ये फॉरेस्ट ये। इस घटना के बारे में बताया गया तो मैंने सोचा कि आज जाकर मैं खुद अकेले जाकर इसे इन्वेस्टिगेट करूं। और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका मेन जो कंसर्न है, यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई है हाईवे के बारे में, जो परवाही के लिए जो शॉर्टकट जो वे है, शाम में भी वहाँ पर पाबंदी लग जाती है। तो इतनी सारी घटना हो चुकी है इस आर ए मिल कॉलोनी के बारे में। तो उनका जो मेन कंसर्न था, यहाँ पर जब कुछ हादसे हुए थे तो एक महिला लीव मांगती है, वाइट साड़ी में बाइक के साथ दौड़ती है। सो आज जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं आर ए मिल कॉलोनी का छोटा से छोटा रास्ता जो है इन्वेस्टिगेट करूँगा। काफ़ी सारा खौफ है इस रास्ते का। और अरे फॉरेस्ट का हर एक एरिया जो है बहुत ही डरावना है। जहाँ जहाँ मुझे बताया गया है वो हर एक रास्ता, हर एक कोना कोना मैं आज इन्वेस्टिगेट करूँगा। देख सकते हैं आप दूर दूर तक जो है। काफ़ी घना जंगल है, ये सब पहाड़ी से घिरा इलाका है ये आर ए कॉलोनी, जो कि शाम के समय पूरी तरह से खूब अंधेरे में छा जाता है। अब तक तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ यहाँ पर। जंगली जानवर का भी काफ़ी खतरा है यहाँ पे, और अभी तक जो है लेपर्ड अभी तक भी काफ़ी हो चुके हैं यहाँ पर। और मुंबई पुलिस ने भी एक वार्निंग दे रखी है, जो भी अगर रात में, वैसे तो अलाउड नहीं है बट रात में अगर जाता है तो योर ओन रिस्क।
तो जहाँ तक नज़र जाएगी बस देख सकते हैं आप, जंगल ही जंगल है। और जितना हो सके मैं आज कवर करने की कोशिश करूँगा। वो जो पेड़ है अचानक से मोमेंट हो रही है यहाँ पर, इतनी हवा भी नहीं थी यहाँ पर, बट बाकी पेड़ नहीं हिल रहे हैं। कुछ हल्की सी मोमेंट भी आ रही है इस साइड से। ओह शिट, कुर रहने की आवाज़ आ रही है उसे। सांप सब गुजरने की आवाज़ आ रही है उसे। वेल किसी मोमेंट में हो रही है यहाँ पर। कोई तो गुजर रहा था झाड़ी के पीछे से। इस साइड से और अभी भी घूर रहे हैं। ओह माय, ओह शिट, देखिए कंटिन्यूसली यहाँ से मोमेंट हो रही थी। ये भी कंटिन्यूसली हिल रहा है और ये देखिए यहाँ से फिर से मोमेंट होने लगी। सो कुछ तो अजीब है यहाँ पर, वरना हवा इतनी तेज़ भी नहीं है कि वो पेड़ जो है अपने जोर से हिल सके। इतनी जगह में तो कुछ तो अजीब लग रहा है मुझे। ये देखिए कितना घना जंगल है और लेपर्ड अटैक काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर। इस साइड से लगातार कुछ कुछ तो अजीब लगा है यहाँ पर अचानक से। ये देखिए अचानक से हवा चल रही थी, फिर अचानक से बंद हो रही है। ये फिर से हवा चलने लगी। ओके ओके, ओ माय गॉड, कोई तो दिखा यहाँ पे। बहुत तेजी से गए इस साइड। यहाँ से बहुत तेज़ी से कुछ गया अभी।
कौन है वहां पर? अच्छा काफी तेजी से कुछ तो गए हैं यहाँ पर।